मैं ते दादू बल रोन जानू मोण मेरा दादू ए मैं ते दादू बल रोन जानू मोण मेरा दादू मैं ते दादू बल मोई दोती गाले इसके बारे में बताएंगे मौन त्योहार क्या होता है, कब होता है, पूरा विवरण। ये हमारा जो है 15 गति आषाढ़ से 16 गति आषाढ़ तक चलता है। मौन का मतलब एक जैसे हम कह देंगे कि एक रौला धोला एक जैसा होता है ना, बहुत सारे लोगों का एक हुजूम। मौन का मतलब क्या होता है? मौन का मतलब होता है जैसे पहले की परंपरा थी ना, जैसे टिमरू निकालते हैं, हाँ। उसको पहले सुखाते हैं, फिर उसको कूटते हैं, उसके कूटने के बाद फिर छालते हैं, फिर ग्राट में पीसते हैं, तब उसका पाउडर बनता है। अच्छा, तब डालते हैं उसको उसमें। कितने गांव के लोग मनाते हैं? 16 गांव के। कौन कौन से होंगे? ये लगा लो कि पूर्णा, पाली, तिनम्याला गांव, सोलोंगी, कांडा और कसून, सरतली, घनियाला, गांव खेत, बेडाण, भुटोली, सहिंजी, कांडी खाल और ये कांडवी। ये हमारी इस बार हमारी पांच इस टाइम। अच्छा, अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइम, जैसे इस बार हमारी थी, दूसरे बार अठा जुला लोग। अच्छा, और उसके बाद भी लालू लारों की आएगी, उसके बाद भी सिलाड़ों की आएगी, ऐसे तरीके से आते हैं, सात साल के बाद। तो पाउडर ले, वो लेके आते हैं, वो भी लेके आते जी। आपको शुभ नाम सर? कुंवर सिंह चौहान। अच्छा, थोड़ा ये मौन के बारे में डिटेल बताएंगे हम, क्या होता है ये मौन के बारे में? तो ये है कि जैसे गाँव वाले तय करते हैं कि भाई हर परिवार के पीछे एक पाथा इसमें लगता है। किस चीज़ का? तिमूर का। तिमूर का। अच्छा, और फिर जो है जितने परिवार में जेंट्स लोग होंगे हर आदमी के पीछे एक पाथा लगता है। अच्छा, और फिर उसको निकाला जाता है, ऐसी लकड़ी होती है उसमें छिलका निकालते हैं, उसको फिर फल में कूटते हैं, फिर उसको चक्की में पिसवाते हैं। ठीक, फिर गांव का तय होगा कि उसका दिन निकालेंगे, फलाने दिन को। अच्छा, दरअसल हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और जो दंत कथाओं में हमने अपने दादा परदादा से सुना, ये बात निकल कर आती है कि जो मौन है ये राजशाही यानी ऐतिहासिक मौन है ये, और राजा जी के ज़माने से तब से ये चला आ रहा है और आज भी लगातार ये परंपरा बनी हुई है। और एक ये अलग मेला है एक तरह का, और मेले हमने देखे, किंतु एक अलग मेला है जिसमें एक बड़ा उत्साह लोगों के अंदर होता है कि भाई जाएंगे, मच्छी मारेंगे, और जिसके लिए जो है महीनों से तैयारी की जाती है। एक टिमरू का जो पौधा होता है उसके बीज, उसके पत्तों से उसकी छाल निकाल कर एक पाउडर बनाया जाता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं कि उसको पहले निकाल कर, जैसे खत वाइज होता है कि एक इस बार जो है एक साल एक खत के लोग आएंगे जो पाउडर लाएंगे, दूसरी बार दूसरे खत के लोग आएंगे, तो वो लोग इसकी महीनों से तैयारी करते हैं कि पहले वो लाएंगे जंगल से निकाल कर, उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसके बाद उसको कूटेंगे पीसेंगे, उसके बाद वो बारीक पाउडर बनेगा, उसके बाद वो नदी में प्रवाहित होगा और जो मच्छी है वो मच्छी लेके घर जाएंगे, संवारे पकोड़े जो हमारा रिवाज है ढोल दमाओं के साथ में वो लोग मौन में आते हैं, और उसके बाद जो अपने घरों को जाके उस दिन वो मच्छी पकाएंगे, संवारे पकोड़े घर में बनेंगे, एक त्यौहार का जो रूप होता है बृहद, उस तरह का एक रूप जो है। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, ये जो आपके गले में? ये कुंडियाड़ा। कुंडियाड़ा इसको बोलते हैं, फटियाड़ा बोलते हैं। ये फटियाड़ा होते हैं, कुंडियाड़ा होते हैं? फटियाड़ा माता है जो। हाँ, फटियाड़ा होते हैं। ये फटियाड़ा है, फटियाड़ा करने का, कुंडियाड़ा फटियाड़ा। हाँ, ये इसकी भाषा, ये गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कुंडियाड़ा। अच्छा, जौनसारी भाषा में बोलते हैं इसको फटियाड़ा। और इस त्योहार का मकसद क्या है, मनाने का मकसद क्यों मनाते हैं? राजा के जमाने से खुला रखा हुआ है कि जब मानवेंद्र शाह ने ये बोला कि मौन को डालना ही पड़े, अगलाड़ का मन या भद्री का मन, ये हमारा पैतृक आदमियों ने शिकार रखा।
एक मिलन का बहुत बड़ा एक त्योहार बन जाता है, क्योंकि अब मानिए कि अगले 3 महीनों तक बरसात के कारण नदी उफान पर होगी, लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उस ज़माने की बात थी, आज तो पुल हैं, सड़कें हैं, बहुत सारे संसाधन हमारे पास, मोबाइल टेलीफोन है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आज से 100 साल पहले की बात देखें तो तब हमारे पास कोई पुल नहीं था, अगर नदी आर और नदी पार के लोगों का मिलने का भी नहीं बन पाता था। तो अगर हम इसको इस रूप में भी देखें तो एक बड़ा बृहद रूप इसका सामने आता है कि एक मिलन, एक मौन जो है, एक मौन का मेला के दिन हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि हम नदी का उफान इतना बड़ा होगा कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको इस रूप में भी देखें तो एक मिलन का भी त्यौहार एक तरह हम इसे मान सकते हैं। दादू बल रेणो जादू मोणो मेरा दादू ले मेरी माछू की मछोई। ये तो पुराने इतिहास वाले गाने, ये पुराने वाले हैं। हाँ। किस प्रकार के परिवर्तन आप देखते हैं पिछले समय से? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम सामाजिक सांस्कृतिक रूप में देखें तो हर एक चीज में परिवर्तन आ चुका है, किंतु जहाँ तक इसके स्वरूप में परिवर्तन की हम बात कहेंगे तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। ये उसी रूप में मनाया जा रहा है आज भी वही तिमरू का पाउडर डालकर, आज भी वही मौन। हाँ, थोड़ा सा सांस्कृतिक रूप में अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, पुराने टाइम में वहाँ जहाँ पर हम लोग गए थे आज, तो जिस जगह पर मौन पड़ता था वहाँ पर महिलाओं की सहभागिता बहुत होती थी, रासू तांदी जो हमारे पारंपरिक नृत्य है वो गाए जाते थे, लोग बड़े उत्साह के साथ ढोल दमाओं के साथ जो एक रणताल पूरा रहता था, पूरा जो है बहुत ही अच्छा वो रहता था, माहौल रहता था। किंतु जो मुझे लगता है वो थोड़ा सा आज के डेट में ये कहूँगा कि हम लोगों का थोड़ा गला चोक हो गया है इस बात को लेकर, क्योंकि डीजे संस्कृति पनप गई है, लोगों ने गाने गाने छोड़ दिए, वो जो पुराने गाने हैं वो आज सुनने को नहीं मिलते। नहीं तो यहाँ पर बड़े अच्छे पुराने एक ऐतिहासिक गाने थे, टोलू जांदूरी जोनाई, टोलू जांदूरी जोनाई, टोलू नेरा नेरी आएगा, इस तरह के कई सारे गाने थे जहाँ पर राजा का भी वर्णन था, क्योंकि राजा साहब खुद जो है इस मौन को लेकर, तभी राजशाही का इसको नाम मिला था, कि राजा साहब खुद जो है वहाँ से टीरी से चले, राजा और आपके जो है मौन में आए, मौन को उन्होंने देखा, उन्होंने जो है एक राजमौन की उसको उपाधि दी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थी। तो वो सांस्कृतिक रूप में मैं मान सकता हूँ कि कुछ कमियाँ आई हैं, लेकिन जो उसका स्वरूप है वो वैसे ही है। आज भी कई लोग हैं, कई युवा हैं जो जिन्होंने बचपन में नदी में जाके मछलियाँ पकड़ी, और अगर आज वो पलायन हो गए उसके बाद वो आकर जो है उस दिन जरूर आ जाते हैं कि आज वो कहीं है, देहरादून में है, दिल्ली में, वो कहते हैं आज मेरे यहाँ मौने में जाऊँगा, क्योंकि इस बहाने वो काफ़ी रिश्तेदारों से उनका मिलना हो जाता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आज के समय में भी इसको राजाश्रय अगर मिल जाए तो एक अलग प्रकार का इवेंट है, यूनिक इवेंट है, ये बहुत अच्छा पर्यटन का साधन भी बन सकता है और नया बड़ा ऊंचा स्थान भी पा सकता है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ अपने आप में भारत में, मैं कहूँगा ये अपने डिस्ट्रिक्ट की बात, अपने प्रदेश की बात नहीं करूँगा, भारतवर्ष में अपने आप में इस तरह के त्यौहार बड़े बड़े अलग यूनिक हैं,
किंतु सवाल आज ये हो गया है कि आज बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया। अगर आप कहें तो लोग कहेंगे मच्छी क्यों मार रहे हो, ये भी गलत है। मतलब वो उसके लिए भी धाराएं आज तैयार हो गई हैं अगर इस रूप में लेते हैं इसको। किंतु यह है कि एक खत, एक जो है पूरी पट्टी, कई पट्टियों का एक मेला है, तो इसलिए जो है सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। बढ़ावा देना तो बहुत दूर की बात है, वरना यहाँ तो स्थिति यह है कि भाई जीव हत्या क्यों हो तो फिर वो मच्छी की हत्या भी क्यों हो, ऐसा कुछ पनप चुका है। किंतु आज मुझे ऐसा लगा कि एक कुछ लोग फॉरेस्ट की टीम वहाँ पर मैंने देखी, तो वो लोग ये थे कि भाई कम से कम नदी को नुकसान ना पहुँचे या बहुत ज़्यादा जीवों को नुकसान ना पहुँचे, ऐसा पाउडर का कुछ जो है यूज़ किया जाए, कुछ ऐसा उनका संदेश मैंने पढ़ा था। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई, अन्यथा सरकारी स्तर पर संरक्षण अगर मिले तो मैं समझता हूँ कि अगर इसको जैसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो एक दिन के लिए बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो लोग आएंगे, वो देखेंगे कि क्या है ये। अब देखिए ना कि अब हम लोग मेलों में जाते हैं बहुत सज धज के जाते हैं, लेकिन वहाँ अगर आपने देखा होगा पूरी नदी में एक सीट नजर आई लोगों की। अपने जो कुंडियाले उनके आज से 50-50, 100-100 साल पुराने बने पड़े वो लेके आए, आज तो उनको बनाने वाला भी कोई नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी एक आर्ट होगा बना हुआ। लेकिन रहा जहाँ तक सवाल, अगर सरकार का संरक्षण मिले और पॉजिटिव रूप में संरक्षण मिले तो क्यों नहीं, कम से कम ये एक दिन का नहीं 2 दिन का ऐतिहासिक मेला हो। और वैसे भी ऐतिहासिक मेला है क्योंकि जब हमारे, मैं समझता हूँ कि कई 100 वर्षों से ये होता हुआ आ रहा है, तो इसको संरक्षण मिलना चाहिए, हमारा मानना ही है। तो पहले और अब में क्या अंतर लगता है? इंदौर मतलब मच्छी, तिमूर। अच्छा अच्छा, अगर तिमूर बड़े डालेगा तो मच्छी बिल्कुल मर जाएगी। अच्छा, अब हल्की कर देते हैं बस, उसमें कारिस बकरियों की कारिस निकाल के उसके मिक्स कर देते हैं। अच्छा, अब त्यौहार तो हो गया, मच्छी मरे ना मरे। जमीना को पानी अगलाड़ो की माछी, सूरिया बरच अगलाड़ो की माछी, ढूंढे की दूरा डाले की अधूरा, डाले की अधूरा आछी, मेरा दादू दादू। आपको कोई गीत आता है जब आप लोग जमाने से लगता हो, कोई 4-6 लाइन आती है आपको? अब गीत तो इसलिए नहीं लगाते हम कि ये तिमूर तो इनका, इधर मोड़े इधर गढ़वाल साइड वालों का है, हमारा जो सर होगा है। अच्छा, नहीं लगाते? अच्छा, आपने लगाते? हम तो क्या लगाना, हम तो सीधे सॉन्ग आए, सॉन्ग से आए। अच्छा 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 अच्छा, यही लगाते हैं गाना इसका। अच्छा, आप लोग क्यों नहीं लगाते? हमारे यहाँ नदी नहीं पड़ती, हमारी साइड नदी नहीं पड़ती। इसको आप तिमूर बोल रहे? तिमूर, हाँ तिमूर। तिमूर क्या हुआ? तिमूर ये ऐसी लकड़ी होती है। अच्छा, आप अच्छा इस त्यौहार पर तिमूर बोल रहे हो आप? मोड़ त्यौहार तो मोड़ होगा। अच्छा, जो तिमूर तोड़ के लाएगा तिमूर हो गई उसकी, आप लोगों की होती है कभी? हाँ होती थी, हमारी वहाँ होती थी खुदने कार्ड में। हाँ हो गया। हाँ, अब शौक है लोगों को कि जितने भी आए हैं मिल चाल हो जाती है, लड़कियाँ भी आती है रिश्तेदारों के यहाँ। अच्छा, घर में गांव में आते हैं लड़कियाँ? दादू बला जुड़ू के मरू मेरा।
पहले मिलते ना, पहले मेरे पास बहुत मच्छी थी थी बहुत ज्यादा। आज नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाचा जी के पास पकड़ा दी। और क्या 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 होता है इस त्यौहार में? इस त्यौहार में पूरी बनती है और खाने पीने का सौदा सबके लिए होता है, जनता के लिए। हाँ, जो गाँव में। अच्छा, और कैसे कैसे मनाते हैं आप लोग इसको, जरा विवरण। तब ये टिमरू होता है, पूरे पांती वाले उसको टिमरू को निकाल के पीसना कूटना वो सब चीज होती है। फिर उसको क्या करते हैं? फिर गटा पीस के फिर मणा एक होता है सामूहिक, फिर उसको डालते हैं सब लोग जो है उसमें विलोम होते हैं। आ, आप, 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 आपको कोई दो चार लाइन किसी गीत की याद है जो मौन में लगता होगा पहले से? याद क्या हमारे आप? कोई गीत याद है आपको जो मौन पे लगाते थे आप लोग? रोना जाया भाई मौना जाया।